हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल विच इज ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी। और ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी पे आपका भाई रोहित मल्होत्रा एक ऐसी ट्रेंड करती हुई प्रॉपर्टी लेके आया जो कि मिलने वाली है आप लोगों को। कहाँ मिलेगी? गुड़गांव में दूंगा। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी दूंगा, मजा आ जाएगा, सच में बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले दिखाते हैं इस वाली प्रॉपर्टी की सिनेमेटिक शॉट्स। और प्रॉपर्टी मिल रही है 333 गज की, 4 BHK प्रॉपर्टी दूंगा, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। फटाफट से देख लो सिनेमेटिक शॉट जो कि आपके लिए लिया कार्तिक ने बहुत प्यार से। जैसे कि अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, तो प्रॉपर्टी नो डाउट इतनी शानदार, इतनी बढ़िया मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यार तुम जिस लोकेशन पे आए हैं गुड़गांव के अंदर, इससे शानदार और इससे बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ये है बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी ओल्ड गुड़गांव के अंदर, जो कि लोग बोलते हैं कि न्यू गुड़गांव हमारे बजट के बाहर है। ओल्ड गुड़गांव पालम विहार, ये आपको रीजनेबल रेट में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या देख, इसमें लिफ्ट भी दे दिया, हाई बॉन की लिफ्ट दे दिया, लिफ्ट का स्टैंडर्ड अच्छा रखा हुआ है, एंट्री गेट सुंदर रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा कर दिया है। आई थिंक बढ़िया चीज मिल रही है यार। स्टेयर गेज एरिया भी इन्होंने काफी अच्छा स्पेशियस बनाया है। कितने गज में कितनी है ये? 333 गज का हमारा पूरा बिल्डर फ्लोर है, इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। इसके अंदर जैसे आपको बेसिक ब्रीफिंग में बताया गया था कि 4 बेडरूम, बहुत ही स्पेशियस 4 बेडरूम है, उनके साथ 4 अटैच वॉशरूम प्लस एक इसमें पाउडर रूम भी दिया गया है, तो 5 वॉशरूम। एक्चुअली क्या है कि ना, हम सोचते हैं जैसे हम आपस में बात करते हुए डिस्कशन करते हुए करेंगे वाला था, यहाँ पे पाउडर रूम पे जैसे हम रुक रहे हैं, अगर हम बात करते हैं पाउडर रूम की, तो पाउडर रूम यहाँ पे काफी अच्छा मिल रहा है ना, और स्पेस अच्छी, तो मतलब इसमें 4 वॉशरूम आ रहे हैं, 4 वॉशरूम प्लस एक पाउडर रूम। ओके, और इसमें जो फिटिंग्स वगैरह आने वाली है वो कौन सी मिल जाएंगी? सब ब्रांडेड फिटिंग्स आपकी इसमें मिलेगी आपको। अच्छा, सारी फिटिंग्स ब्रांडेड आ रही है, मतलब इसके अंदर जैगुआर और अभी हम खड़े लिविंग एरिया कह सकते हैं इसको, ड्राइंग एरिया को भी लिविंग एरिया कह सकते हैं। अगर हम अपने क्लाइंट्स को लेआउट समझाए इसका, तो अगर अब जहाँ खड़े ड्राइंग लिविंग एरिया है, लिविंग के साथ में इसमें ओपन डाइनिंग एरिया दिया गया है, तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया आपका ये पूरा काफी बड़ा स्पेशियस आपको दिया गया है। हाँ यार, ये सेग्रीगेट कर दिया ना इन्होंने, यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया कि वहाँ का आपका ड्राइंग रूम के अलावा आपको अगर उसको साफ रखना है, सुथरा रखना है, यहाँ सोफा वोफा लगा लो। अच्छा, इसमें डाइनिंग के एसी भी साथ में मिल रहे हैं? हाँ, एसी भी इसमें आपको साथ में। कितने एसी मिल रहे हैं इसमें? टोटल आपको 5-6 AC मिलेंगे, 2 आपके ड्राइंग डाइनिंग में और 4 आपके बेडरूम। अच्छा, मतलब नीचे मिल जाएगा इटालियन, ऊपर मिल जाएगा पीओपी, बहुत काफी डिफरेंट है, काफी अच्छा डिसेंट सीलिंग का डिजाइन है। अच्छा, मैं देख रहा हूं यार, लोग लगाते नहीं, गोदरेज का लॉक दिया हुआ इन्होंने है यार, लॉक सिस्टम भी तो दे रहे हैं, गोदरेज का दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं। जैसे आपको बोला था कि सब ब्रांडेड चीजें ही आपको मिलेंगी, क्वालिटी है मतलब, और मंदिर भी काफी बढ़िया था बना दिया, काफी अच्छा सुंदर मंदिर। हाँ, अगर बात करें सुंदरता की, तो सुंदरता तो पकड़ के रखी है, और 233 गज में वाइड रोड पे आए थे क्यों? बिल्कुल, बहुत ही वाइड रोड है, 333 गज, सॉरी 333 गज, बहुत बढ़िया। अगर हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम कहाँ, किचन से शुरू करते हैं, किचन काफी अच्छी है, किचन काफी स्पेशियस और बालकनी एक्सेस वाली किचन दी गई है यार। किचन नो डाउट बहुत अच्छी है, और यहाँ से बालकनी का एक्सेस भी मिल रहा है। एग्जैक्टली, और अगर आप फिनिशिंग की बात करोगे तो अगर आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन हो गया, अंदर पूरी जो कैबिनेट्स बनाई गई है, लाइटिंग वाली कैबिनेट्स बनाई गई है, और कलर कॉम्बिनेशन खास कर उन्होंने बहुत अच्छा चूज किया, मतलब व्हाइट के साथ में इन्होंने बीच में ब्लू का शेड दिया, और ये वाला जो लग रहा है थोड़ा सा विंटेज की फील दे रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक्स की, तो ये सारे हाइड्रोलिक फिटिंग है, सब कुछ अगेन ये भी आपको एक ब्रांडेड पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट। वेट एरिया में सारी जो फिटिंग्स आ रही है सारी जैगुआर की आ रही है, तो मतलब पूरे घर में जो फिटिंग्स मिलने वाली है जैगुआर मिलने वाली है, फिटिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और कई बार होता है लेडीज के लिए स्पेस, और जैसे पेंट्री एरिया, तो ये वाला स्पेस उन्होंने क्रिएट करके दिया हुआ है,
पेंट्री भी स्पेस दे रखा है, फ्रिज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड स्पेस है कि फ्रिज में दिक्कत ना है। और मेन चीज ये चीज जो आप देखोगे ये हर जगह आपको हर प्लॉट में मिलेगी, ये जो एरिया ओपन स्पेस दिया गया है ये आपकी काफी बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब वेंटिलेशन की आपको पूरे घर में कहीं कमी नहीं है, हवा 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 काफी है, हवादार मकान है। और अगर बर्तन वर्तन धोने के लिए स्पेस चाहिए तो इन्होंने एक ये जगह बना दी, सेपरेट स्पेस दे दिया गया, पीछे के पीछे धुल जाएंगे और साफ सुथरा हो जाएगा, और पीछे वॉशिंग एरिया क्रिएट हो गया। लेडीज के लिए क्या गया, अगर बालकनी में फ्रंट में जाना तो बैक साइड पे खड़ोगे, यहाँ पे वर्किंग करेंगे। और यहाँ बैक साइड देख सकते हैं, बैक साइड काफी वाइड मिल जाती है, ओपन स्पेस मिल रही है और हवा सच में आ रही है, वेंटिलेटेड हाउस है, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी बेडरूम में किचन में काफी अच्छी वेंटिलेशन मिल रही है, हर जगह मिलेगी। और अगर हम इसके वैसे बात करते हैं, किचन काफी बड़ा मिल रहा है, किचन का स्पेस काफी अच्छा है, चार से पांच लेडीज आराम से वर्किंग कर सकती हैं, बहुत बड़ा वाइड मिल जाएगा। और ये स्पेस अगर इसके बेडरूम की बात करें तो फर्स्ट मास्टर बेडरूम बैक साइड वाला दिखाते हैं, काफी अच्छा रहेगा। तो आ जाओ, ये इसका पहला बेडरूम। ओके, और इसमें भी यार अगर बात करते हैं तो इन्होंने वॉकिंग वार्डरोब दे रखा है, आपके बेड का ये आपका स्पेस दिया हुआ, आपका 6x6 का बेड है, आराम से आएगा। उसके बाद भी अगर आप देखोगे आपको कोई ना कोई सोफा काउच या टू सीटर चेयर वगैरह आपके आराम से आ सकती है। पीओपी वो काफी डिसेंट सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, और वही सेम जो आप बता ही रहे थे कि डेकन का एसी मिलने वाला है पूरे के पूरे घर में। और ये आ जाता है वॉकिंग वार्डरोब, मतलब वार्डरोब में भी सेक्शन मिल गया काफी स्पेशियस, वार्डरोब दिए गए हर रूम में, वॉशरूम अगर आप दिखाए तो। और इसके सामने वॉशरूम अटैच है, और ये सबसे जबरदस्त चीज लगी कि वॉशरूम ना इन्होंने जो फिटिंग दी है ब्रोमे की दी हुई है और जैगुआर की फिटिंग दी हुई है अगर हम बात करते हैं, और ऊपर हेड्स ओवर हैंड्स ओवर जो भी मिल रहा है सारा का सारा आपका जैगुआर का ही आ रहा है। नो डाउट घर को बनाया बड़ा सुंदर है और सुंदर तरीके से बनाया गया, बहुत अच्छी प्लानिंग से ये घर बनाया गया है, पूरे जो भी रहेगा उसको किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिल्डर ने बनाया उसके तो हाथ चूम लेने चाहिए, मतलब इतना जबरदस्त बनाया है। एक्चुअली मैं बिल्डर को जानता हूँ तो मुझे लगा कि उनके हाथ चूम लेने चाहिए, चीज अच्छी बनाई है, क्योंकि ना मुझे ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगा कि वेंटिलेशन अच्छी रहेगी। पीछे बैक साइड की अगर हम बात करते हैं फिर वही किचन से जुड़ गया ये वाला पार्ट, पूरा बालकनी व्यू है, बालकनी व्यू मिल जाता है। और ये भी अच्छा किया जो नीचे की फिटिंग मिल रही है ना, फ्लोरिंग जो मिल रही है, ये सारी टाइल्स मिल रही है मेरे को, वो अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन ब्राउन दे दिया यार, थोड़ा सुंदर सा, जैसे मैंने आपको बोला है बहुत प्लानिंग के हिसाब से ये बनाया गया है, पूरे एक एक चीज को गौर करके ये चीज बनाई गई है। अच्छा ये भी सही है कि अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम का जो गीजर लगेगा वो बैक साइड में मिल जाएगा बाहर की तरफ, अंदर गीजर वाला पॉइंट नहीं जा रहा आपका, आप बाहर और पीछे आगे पीछे बैठ के अपना मजा ले सकते हो, लुफ्त ले सकते हो। अब इसके आप आगे बालकनी में बैठे या पीछे बालकनी में बैठे आपको सेम ही फील आएगी, फीलिंग कोई आपको बैक या फ्रंट वाली ऐसी कोई अलग से फीलिंग नहीं आने वाली। ये चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अच्छा सेकंड बेडरूम में भी यार ये मिरर वाला दे रखा है, मिरर पार्टीशन दे रखा है, बहुत जबरदस्त। अगेन अगर आप स्पेस देखेंगे रूम का तो काफी इनफ स्पेस है, बेड लगने के बाद भी काफी आपका स्पेस बन जाएगा। और पूरे घर में सेम येलोइश कलर की इटालियन मिल रहा है आपको, और ऊपर का पीओपी वर्क डिसेंट सा मिल रहा है, हर रूम के अंदर एसी मिल रहे हैं आपको, अगर हम वॉल टू वॉल वर्किंग देखें तो डिसेंट सी मिलने वाली है। और अगर वॉशरूम देखते हैं इस वाले वॉशरूम में क्या खास मिल जाएगा, मतलब इसमें चेंज कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने हर वॉशरूम में हमने चेंज करके दिया हुआ है, बाकी तो आपका सब आपको जैगुआर की फिटिंग जैसे आपको होता है अंदर आपके कैबिनेट वगैरह, और काफी स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलेंगे। चीज तो नो डाउट अच्छी लग रही है, और अगर हम देखें एग्जॉस्ट वगैरह है सब कुछ लगा हुआ अच्छा, और ग्रोए की फिटिंग मिलने वाली है, कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बना है। एलसीडी पैनल भी अगर आप देखेंगे तो छोटा सा पैनल नहीं है, आपको काफी बड़ा पैनल दिया है विद कैबिनेट, जो कोई आप अपना बेसिक यूटिलिटी सामान भी इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। और कई लोग कहते हैं 6x6 का बेड आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे 7x7 का बेड आ जाएगा, उसके बाद कुछ जगह बचेगी। और हाँ इसके साथ में मैंने ये देखा कि पीछे यूपीवीसी यहाँ पे भी दे रखी है, वही बालकनी में पीछे का, मतलब हर कमरे के अंदर वेंटिलेशन है, अगर रात को खोल के सोना है दरवाजा तो सो सकता बंदा, वेंटिलेशन अच्छी रहेगी, वही बालकनी जो हमारी किचन से निकल रही थी दूसरे बेडरूम में गई, दूसरे बेडरूम से तीसरे बेडरूम में भी आ जाएगी, मतलब स्पेस अच्छी है। और ये वार्डरोब इन्होंने सही दिया यार, मेरे को ये बड़ा प्यारा लगा कि कलर कॉम्बिनेशन दिया ट्रांसपेरेंट और ऊपर दिया कलर के साथ में ब्राउन शेड, अगेन प्रोफाइल लाइटिंग के साथ अच्छी कैबिनेट, अच्छी स्पेशियस वार्डरोब दी गई है, बहुत प्यारी चीज लगी यार ये वाली प्रॉपर्टी। नो डाउट गुड़गांव में मिल रही है, और मैं सच्ची बताऊं मैं अपने काफी सारे क्लाइंट को प्रमोट करूंगा, क्योंकि 333 गज यार गुड़गांव के अंदर जिस रेट में मिल रहा है, दिल्ली में कीर्ति नगर में इस रेट में चीज, जिस लोकेशन पे है बहुत ही वाइड रोड, मतलब 100 फुट। अभी यार एक बार सबको वाइड रोड दिखाएंगे, रोड सच में बहुत शानदार है, बढ़िया है। और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास में फोर्थ वॉशरूम आता है जिसे क्वार्टर रूम कहते हैं हम लोग। और ये अब हम चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ, और थर्ड बेडरूम में भी कलर कॉम्बिनेशन की बात करो तो डिफरेंट कर दी है, चीजें डिफरेंट कर दी है, और
अगर आप देखेंगे इसमें वॉल पे आपको डिजाइन मिलेगा, इन्होंने थोड़े यार लैंप्स वगैरह थोड़े लगा लिए, शैंडलियर्स वगैरह छोटे छोटे, बाकी तो कलर कॉम्बिनेशन आपको हर रूम में चेंज मिलेगा, चाहे आप वॉशरूम की बात करो चाहे रूम की बात करो। और नीचे फ्लोरिंग देखो तो वुडन दे दिया है, वार्डरोब का कलर कॉम्बिनेशन कह रहा हूं, सॉरी एलसीडी पैनल का कलर कॉम्बिनेशन और नीचे फ्लोरिंग एकदम सेम मैच कर दिया, आपको लगेगा यार होटल में रह रहे हैं, होटल वाली फीलिंग आने वाली है आपको बिल्कुल। अगर इसकी भी अगर आप वार्डरोब देखेंगे वही सेकंड बेडरूम की तरह इन्होंने भी अपनी वार्डरोब काफी प्रोफाइल लाइटिंग वाली मिरर वार्डरोब आपको दी है, काफी स्पेशियस चीज तो अच्छी बनी है यार। मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कुछ अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया, काम बड़ा अच्छा कर दिया। हम जैसे वेस्ट दिल्ली में वर्किंग कर रहे हैं, ऐसी वर्किंग गुड़गांव में मिल सकती है, वेस्ट दिल्ली में इतनी मिल नहीं पा रही है, और कई क्लाइंट्स जो चाहते हैं जिस रेट पे उस चीज में मिल जाएंगे। अब इसका यार कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा। अब अगर ब्लैक के साथ में आप जाओ, वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है आपको, ऊपर एग्जॉस्ट मिल जाता है, गीजर का स्पेस मिल जाता है। फिटिंग्स की बात कर रहे हैं तो जैगुआर की फिटिंग्स आ रही है, मतलब बहुत प्यारी चीज लगी मुझे इसमें। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे परचेज करना हो दिल्ली में तो मैं आगे कीर्ति नगर की जगह मैं यहाँ पे गुड़गांव में परचेज कर लूंगा प्रॉपर्टी। बिल्कुल, इस चीज के बहुत फायदे हैं। जैसे अभी आपको अभी हम मेन लोकेशन भी दिखाएंगे जिस लोकेशन पे ये लोकेट है, बेसिकली बहुत ही वाइड रोड है। अगेन ये वाले रूम में भी आपको यूपीवीसी की फिटिंग प्लस आपका डोर वगैरह आपको मिला है, बालकनी एक्सेस आपकी जो मेन फ्रंट बालकनी जिसे हम कहते हैं पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे की फ्लोरिंग देख लो बालकनी की, यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दे दिया, जितना शानदार यहाँ पे मिल रहा ना वो मिल नहीं सकता। और जो इधर का सबसे बड़ा यूएसपी है ना, जिस रोड पे हम खड़े हैं, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, आपका घर कोठी से कम नहीं लगेगा, इतनी अच्छी फीलिंग देने वाला है। अगर सबसे पहले इसकी रोड देखो, अगर आप रोड की तरफ अगर आप देखेंगे तो मतलब 50-60 फीट चौड़ी रोड बात कर रहे हैं हम लोग, इतनी चौड़ी रोड। और नीचे अगर आप देखोगे आपके घर के अंदर पार्किंग की स्पेस तो बहुत ज्यादा मिली रही है, साथ के साथ में ना आप देख सकते हो आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी बहुत है, आपके गेस्ट आ जाए कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर ले यार। देखिए तीन गाड़ियों की पार्किंग तो रोहित आपको ये आपको ऑन पेपर से मिलती है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई गेस्ट, आजकल लोगों को ये रहता है कि यार हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे को तो पार्किंग मिल गई बट हमारे गेस्ट कहां जाएंगे, और गेस्ट के लिए भी स्पेस छोड़ दिया गया। इस लोकेशन पे अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपकी कोई चौथी गाड़ी भी आ रही है तो भी यहां पे आराम से एडजस्ट हो जाएगी उस टाइप की लोकेशन। मतलब यहां पे इतनी रोड और वाइड रोड के साथ साथ में आप देख सकते हो सामने सारी कोठियां ही कोठियां बनी हुई हैं, आप कोठी वाले एरिया में रह रहे हो और आपको इतना फ्लोर मिल रहा है पार्टीशन के साथ में, आप इतनी चीज अच्छी मिल जाएगी। 333 गज, मुझे नहीं पता था, मैं आपके साथ जब इस प्रॉपर्टी को देखने आया तो मुझे लगा शायद कुछ अलग होगा, नहीं होगा, ऐसे ही होगा, पर जिस रेट में आ रही है ना, जिस अमाउंट पे आ रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब उस इमेजिन को ना आप मैसेजेस में जाके पूछ लो, नीचे व्हाट्सएप कर लेना, नंबर आपके पास में आ रहे हैं, कॉल करके विजिट जरूर प्लान करना, मैसेज कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम जाने से पहले ना यहाँ से हमें जाना पड़ेगा आपका, मतलब इधर से भी बालकनी का, तीनों रूम से आपका बालकनी, हर रूम के अंदर एक्सेस मिल रहा है बालकनी का, फ्रंट और बैक में। पर यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका लिविंग एरिया, जो ड्रॉइंग डाइनिंग कहते हैं जिसे, अब चलते इसके फोर्थ बेडरूम में। आई थिंक फोर्थ बेडरूम में, फोर्थ बेडरूम इज अ मास्टर बेडरूम बेसिकली, जितने आपने बेडरूम देखे वैसे तो सभी स्पेशियस है, बट ये बेडरूम आपको थोड़ा अलग सी फील देगा, अलग सा इसका जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एकदम डिफरेंट दिया गया है। अगर आप देखेंगे अभी जितने भी आपने बेडरूम देखे सभी स्पेशियस थे, बट ये एक मास्टर बेडरूम की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एलसीडी पैनल का भी वर्किंग ना कुछ अलग कर दिया है, ये राउंड राउंड का शेप दे दिया, डिजाइन अच्छा दे दिया, नीचे का पैनलिंग अच्छी हुई हुई है। और अगर वार्डरोब देख रहा हूँ तो मेरे को वार्डरोब ना कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, वार्डरोब आपको इसमें डबल वार्डरोब दे रहे हैं हम लोग इसमें। और कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे स्काई ब्लू कलर जो कि व्हाइट के साथ और ग्रे के साथ जा रहा है, बहुत ही अच्छी रॉयल फीलिंग आपको देने वाला है। और फ्लोरिंग वही इटालियन जो पूरे रूम में चल रही है, ऊपर भी अगर आप फॉलो करेंगे वहां वार्डरोब दिया है वहां का सेक्शन, और यहां पे चार मतलब स्पेस जो आपको पता है हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी किसी ना किसी के ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े ज्यादा है, हमारे को वार्डरोब कम पड़ जाती है, हमें बनानी पड़ जाती है, ये वो ऐसा कर रहा है। यहाँ पे आपको हर जगह वार्डरोब अच्छी स्पेस काफी अच्छी मिल गई। और ये फिर वॉशरूम की अगर बात करें तो हम अगेन मास्टर बेडरूम के हिसाब से आप देखेंगे ये मास्टर वॉशरूम ही इसको आप कंसीडर कर सकते हो, काफी बड़ा काफी स्पेशियस लगे सारी फिटिंग्स आपकी जगवाल की। और कलर कॉम्बिनेशन अगर आप टाइलों का देखेंगे तो अलग बहुत ही डिफरेंट डिजाइन आपको दे रहा है। अब मेरे को मैं सच्ची बताऊं अगर मैं किसी को रिकमेंड करना चाहूं तो ये लोकेशन रिकमेंड कर सकते हैं, गुड़गांव में पढ़ने का वाला है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं अपने क्लाइंट्स को। गुड़गांव के अंदर एक ओल्ड गुड़गांव एक न्यू गुड़गांव है, आपने हमारी न्यू गुड़गांव की कई प्रॉपर्टीज की वीडियो आपने देखी होगी, हमारे पास जो बहुत आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बजट से बाहर है। तो ये ओल्ड गुड़गांव जो है जिसको हम पालम विहार कहते हैं, सेक्टर 22 में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से सेक्टर 21 और हुड्डा सेंटर भी आते हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मेन जो चीज है यहाँ की रोहित ये जो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे,
अच्छा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हब बना। हम मतलब अगर दिल्ली से ट्रेवल करके अभी भी आए तो 15 मिनट ही लगे, हमारे को ज्यादा देर लगी नहीं। NH8 यहाँ से आप मतलब दिल्ली टच करना हो आपको तो 10 मिनट में आप दिल्ली टच कर लो, क्योंकि हमने हमारी टीम को टाइम दे रखा था 6 बजे का और 6:15 पे हम यहाँ पहुंच चुके थे। तो अगर उसके लिए हम सॉरी बोल चुके हैं, उसके लिए हम थोड़ा सॉरी बोल चुके, 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा लग गए थे। बट ठीक है यार, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी की वीडियो बनाने का मौका मिल रहा हमें भी और उनको भी, तो फिर मेरे को लगता है ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी की वीडियो देखनी है तो अपने चैनल पे जाओ, हमारे वाले चैनल पे जाओ, फटाफट से उसे सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो फ्रेंड और फैमिली के साथ। एक्चुअल में क्या है, इस प्रॉपर्टी में आपको अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिल रहा है, थर्ड फ्लोर बिक चुका है, सिर्फ 3 ही फ्लोर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने इस वाली प्रॉपर्टी को परचेज करना है तो कॉल करो दिए गए नंबर पे, व्हाट्सअप कर लेना, मैसेज कर लेना रेट के लिए, क्योंकि रेट में आपको दोबारा बोल रहा हूँ ऐसा रेट नहीं, रेट्स आप मेन चीज जो आप भी मानते हैं कि प्राइस होता है प्रॉपर्टी का, अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि वो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, इस प्रॉपर्टी का रेट सुन के आप भी एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे और चौंक भी जाएंगे, क्योंकि मतलब जो रेट हम बोलने वाले ना वो रेट आपने सुना नहीं होगा दिल्ली में, तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, आसमान छू रहे हैं रेट। हम उस रेट पे प्रॉपर्टी लाए हैं, लोकेशन शानदार, चीज शानदार। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक कर लो, हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर जरूर करना ये वाली प्रॉपर्टी की वीडियो, क्योंकि ये शेयर करनी बनती है। तो मिल रहे कितनी अच्छी सी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।